सोहे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी, कैसे चल रही है आपकी गेमिंग। सो मेरे पास आ चुका है रियलमी का नार्जो 34G और ये वाला है 5G। कल मैंने 5G का अनबॉक्सिंग किया था और आज 4G वाले का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि अपग्रेडेड वर्जन में क्या क्या फीचर्स डल के आई है और साथ ही साथ करेंगे गेम प्ले भी टेस्ट। तो चलिए करते हैं, देख लेते हैं कैसा अपग्रेडेड वर्जन में क्या क्या फीचर्स डल के आई है। फटाफट करके रैपिड को अलग करते हैं पन्नी से अलग और दिखाते गए। सिमिलर डिजाइन काफ़ी बढ़िया है गाइस, तो फटाफट करके डब्बे को कर लेते हैं ऑन और दिखाते आपको कि इस डब्बे में क्या है। तो फर्स्ट में जो वही निकल के आता है गाइस, फील द पावर, तो काफी बढ़िया ब्रांडिंग है। और एक छोटा सा डब्बा, छोटे से डब्बे के अंदर जो होता है गाइस वो आपको पता ही होगा। सेम इजेक्टेड टूल, बाकी गाइडलाइंस पेपर, मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स वगैरह और एक अच्छा सा केश कवर, तो काफ़ी यही आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब बहुत सारे पुस्तकें होते गए और ये जो केश कपड़े गए सिमिलर केश कपड़े मतलब कल वाले केश कवर से मिल जाएगा इस, समझ लो। और नेक्स्ट हमारा डिवाइस, डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है इस, मतलब इसकी कलर जो है ना, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। मतलब सिमिलर तो नहीं बोल सकते गाइस, ये कैमरा डिज़ाइन आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस, तो सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। इसका कैमरा डिज़ाइन आपको दिख रहा है, सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो गाइस काफ़ी बढ़िया है, मतलब साइड में रखते हैं, अभी बातें कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप सी केबल की। तो टाइप सी केबल तो सेम था ही गाइस, और यहाँ पर जो है ना गाइस, इस चार्जर को थोड़ा डेवलपमेंट किया है, मतलब 30 वोल्ट का डार्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। डार्ट चार्जर सही है यार। और नेक्स्ट गाइस अपने डिवाइस की ओर चलते हैं, और डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है गाइस, मतलब कलर रिफ्लेक्शंस मुझे ज़्यादा पसंद है। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो गाइस। तो अभी देखते हैं, दोनों सेम टू सेम, बस कैमरा डिज़ाइन आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी दोनों सेम ही है गाइस। तो देखते हैं कैसा चलता है गाइस ये गेम प्ले, कैसी फीचर्स है इसमें। फ़ोन को फटाफट ऑन कर लेते हैं गाइस, ऑन करते ही रियलमी की ब्रांडिंग आ चुकी है, काफ़ी स्मूथ ब्रांडिंग है गाइस। तो फटाफट करते हैं सेटअप और दिखाते हैं आपको फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसा है गाइस। तो फर्स्ट इम्प्रेशंस काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइस। तो चलते हैं अभी स्पेसिफिकेशंस भी जान लेते हैं गाइस। तो फर्स्ट में डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंचेस का फुल HD LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है गाइस। प्रोसेसर की बात करूँ तो MediaTek G95 का 12 NN प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रैम की बात करूँ तो 6 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है गाइस। बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी भी मिल जाता है गाइस, काफ़ी बढ़िया है। और 30 वोल्ट का डार्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है गाइस। तो यही स्पेसिफिकेशन है, चलिए गेम प्ले भी टेस्ट कर लिया जाए और देख लिया जाए 4G वाले में कैसा चलता है हमारा गेम प्ले। सो गाइस हम फटाफट करके अपने लॉबी के अंदर आ चुके हैं। लॉबी के अंदर आने के बाद फर्स्ट में हम आपको दिखाएंगे सेंसिटिविटी और ग्राफिक सेटिंग, और इस 4G वाले में भी मैं अल्ट्रा पे खेलने की कोशिश करूंगा, देखूंगा गाइस लैग करता है, अटकता है, कुछ भी होता है वो आपको देखना है, नज़र पे रखना है गाइस। तो अभी चलिए फटाफट सेंसिटिविटी में, और जैनल को बाय डिफॉल्ट ही सही होता है, बट आगे पीछे थोड़ा बहुत कर लेते गाइस। जैनल में एक्चुअली वो एक्चुअली मूवमेंट के लिए सही होता है गाइस। तो चलिए कर देते हैं 92 मैं रखता हूँ गाइस। तो आप कितने पे रखते हो आप कमेंट में बता सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट, हो गया गाइस ग्राफिक्स पे। तो यहाँ पे शैडो वगैरह भी ऑन कर देते हैं, अल्ट्रा पे कर देते हैं गाइस। तो हो चुका है अल्ट्रा और शैडो वगैरह भी ऑन कर दिए, और नेक्स्ट चलते हैं गाइस अपने हाई FPS पे, देखते हैं कैसा चलता है गाइस। बैटरी यूजेस ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो देखना तो बनता है गाइस कि गेम प्ले कैसे चलते हैं। ओके कर देते गाइस और देखते हैं कैसा चलता है। तो हमारा यहाँ पे ओके हो चुका है गाइस, काफ़ी बढ़िया तरीके से सेटिंग कर दी है, और अभी अच्छा सा क्लेश स्क्वाड गेम प्ले सिलेक्ट करेंगे और आपको प्ले करके दिखाएंगे और गेम प्ले करेंगे कि 4G वाले में गेम कैसा चलता है, 5G वाले से बेटर चलता है या फिर 4G वाले में ही बेटर चलता है। तो काफ़ी देखना है और आपको दिखाते हैं गाइस कैसा लगता है गेम प्ले 4G वाले में, कैसा अल्ट्रा चलता है, स्मूथ चलता है, काफ़ी बढ़िया चलेगा गाइस। और अभी चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट हो जाओ भाई। सो गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट लॉबी में, और आपको हम डायरेक्ट फाइट सीन पे लेके चलेंगे गाइस, और आपको दिखाएंगे फाइट सीन पे क्या क्या सीन रहने वाली है, बस आपको देखना है और एंजॉय करना है, और आपको रखना है ध्यान में कि लैग करता है, अटकता है और ऐसा स्मूथ नहीं चलता है या नहीं। तो काफ़ी आपको पूरा ध्यान रखना है गाइस, कॉन्सेंट्रेट आपको एकदम डाल के रखना है और आपको देखना है गाइस। तो यहाँ पर देखते गाइस, थोड़ी बहुत डैमेज दिया था एक बंदे को और काफ़ी बढ़िया चल रहा है गेम प्ले, तो अच्छा ही चल रहा है। चलिए यहाँ पे हमारा 2 किल शायद हो चुका है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैंने किल किया और एक राउंड विन किया। तो अभी देखते गए सेकेंड राउंड में, और बातें कर लेते और भी फ़ोन की फीचर्स की, प्राइजेस कि कब लॉन्च होने वाला है, कब कितना प्राइस आने वाला है गाइस।
सो गाइस तो मैं फर्स्ट में आपको मैं बता दूंगा इसको, तो यहाँ पे आपको डुअल सिम का और एक नैनो एक मैक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्टेबल मिल जाता है, जो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है गाइस, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो गाइस आपको 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है गाइस। तो मतलब 5G से बेटर तो मैं बता नहीं सकता हूँ गाइस, लेकिन 5G जैसा तो है, बट काफ़ी मतलब काफ़ी खूबसूरत है गाइस। और अभी देख लेते हैं गाइस यहाँ पे अनलिस्ट पीक ऑफ अ परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूद है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है गाइस आपको दिखा रहा हूँ, प्रोसेसर जो मीडियाटेक G95, ये एक्चुअली गेमिंग प्रोसेसर है गाइस। आपको पता होना चाहिए कि G95 एक्चुअली गेमिंग प्रोसेसर ही माना जाता है गाइस। तो देखते हैं, इसमें तो गेम अच्छा खासा चल ही रहा है, बट अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ, गेम खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे गेम कैसा चलता है गाइस। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से किल किया मैंने, मतलब 3 से 4 बंदे को मैंने खुद ही किल किया, तो मतलब काफ़ी अच्छा तरीके से किल हुआ है, स्मूथ किल हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया ही हो सकता है हमारे हिसाब से। तो गाइस देखते हैं वैसे क्या है, कैसा चलता है, क्योंकि गाइस एक्चुअली कहीं ना कहीं तो 5G इज बेस्ट, मतलब बेटर होता है गाइस। 5G अगर फीचर्स में कभी भी अगर 5G का सिम आता है तो आप लगा के सपोर्ट करवा सकते हो, 5G सिम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन 4G वाले में एक लोचा होगा कि आप 5G सिम नहीं यूज़ कर पाओगे गाइस, तो यही बस एक रीज़न है। बट फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी दमदार चीज़ है गाइस, तो देखते हैं। और गाइस हम इसके प्राइस की बात कर ले तो आपको मतलब 2 वेरिएंट है, ठीक है गाइस, एक 464 है और एक 6128। तो 464 वाले का प्राइस आपको 12,499 का मिल जाएगा। उसके बाद गाइस बातें कर लूँ 6128 वाले का, तो 6128 वाले में 14,499 वाला प्राइस है गाइस, तो काफ़ी बढ़िया है गाइस। तो देखते हैं अभी दो प्राइस मतलब 2 वेरिएंट है। और गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि सेल कब होगा, मतलब ये फ़ोन कब लॉन्च होगा गाइस, तो लॉन्चिंग डेट भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट सेल आपको 29 तारीख को लगने वाला है गाइस, मतलब 29 जून को सेल लगने वाला है, तो जाओ और बाय करो और इन्जॉय करो 4G और 5G दोनों डिवाइस को, तो काफ़ी बढ़िया है गाइस, तो काफ़ी मज़ेदार है। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। तो और आपको अगर इस फ़ोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे अपना ओपिनियन डाल सकते हो गाइस कि हाँ ये रीब्रांडिंग का खेल कब तक चलेगा या फिर चलता ही रहेगा कंपनी वाले का, तो मुझे तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप अगर आपको समझ है तो आप मुझे बता सकते हो यार। देखते हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम प्ले तो चल रहा है, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया गेम प्ले चल रहा है, और देखते हैं। वैसे गाइस अपना ओपिनियन आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, आप लोगों के कॉमेंट को पढ़ते हैं और लाइक एंड हार्ट तो देती है, रिप्ले तो करते ही है गाइस, भले आज करिए 2 दिन के बाद, लेकिन रिप्ले तो हम जरूरी करते हैं गाइस। तो दिल खोल के कमेंट करो और क्वेश्चन ओपिनियन डालते रहो गाइस। तो यहाँ पे हमारा बुइया हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से, नो हीटिंग नो लैगिंग इश्यूज मुझे दिखा है और काफ़ी बढ़िया चला है गाइस। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।